मैंने तो अपनी सीट बेल्ट बांध लिया, आप लोग भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम लोग आज जाने वाले हैं बहुत ही मजेदार जर्नी पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MNLife। और आज हम लोग दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, वो अभी अपनी गाड़ी से बाय रोड। तो ये जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि हम लोग फेमस रोड्स पे जर्नी करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा की जो रोड है एक्सप्रेसवे, उस पे हम लोग जाएंगे। 25 किलोमीटर की रोड है। उसके बाद वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा जो 180 किलोमीटर तक का नॉन स्टॉप रोड है जो आगरा तक जाएगी। फिर आगरा से हम लोग लेंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे। फिर आगरा से हम लोग लखनऊ एक्सप्रेस वे जाएंगे जो 300 किलोमीटर की हुई, जो इंडिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे है। तो इस जर्नी को हम लोग इन्जॉय करते हैं आप लोगों के साथ, तो रेडी रहिए आप लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। सुबह 6:15 पर हम लोग घर से निकले थे और रास्ते में हमने पेट्रोल लिया और अब हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पहुँच गए हैं जो ग्रेटर नोएडा तक जाएगी, पड़ी चौक तक। इसमें हमें लास्ट में पड़ी चौक से पहले लेफ्ट लेना है। तो अभी इस एक्सप्रेस पर आइए, 25 किलोमीटर तक है। तो अब इसको क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते ही जहाँ हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे एंटर करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर एंटर करने वाले हैं। ये सीधा बिल्कुल चली जाएगी पड़ी चौक ग्रेटर नोएडा के, और ये जो लेफ्ट टर्न लेंगे हम लोग ये यमुना एक्सप्रेस वे पर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं हम लोग। अब ये आगे जा करके घूम करके यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यमुना एक्सप्रेस वे का मजा लेते हैं हम लोग। रेडी। ये 180 किलोमीटर तक आगरा तक जाएगी ये रोड। तो 180 किलोमीटर में आगरा, मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़, इन सब जगह आपको जाना हो तो इस रोड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रोड, बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं इस पर, इसकी जर्नी को एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं। सामने टोल प्लाजा आ रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है यमुना एक्सप्रेस वे का। तो चलते हैं, एक लाइन में एंटर कर जाते हैं। आगरा सिंगल 5 देता हूँ मैं, चलो हो गए। तो आगरा तक का जो टोल का जो रेट है ये 415 रुपये का है। तो 415 रुपये का हमने टोल कटवा लिया है। अब चलते हैं आगे, आगे जर्नी को एंजॉय करते हैं। आगे जलपान और जन सुविधाएँ, तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो हम लोग अभी गाड़ी को नीचे की तरफ टर्न लेते हैं और हम लोग अभी यमुना एक्सप्रेस वे के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, अभी 8-10 किलोमीटर और आगे होगा, फिर लखनऊ की तरफ टर्न कर जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए रुके हैं और ये ब्रेकफास्ट तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं करेंगे। पीछे रेस्टोरेंट भी आप खा सकते हैं, इसके पहले भी 2-3 हैं जिसमें आप रुक सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग घर से पैक करा के बना के लाए हैं, तो घर से बना हुआ खाएंगे। देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से, क्या क्या बन के आया है हमारे घर से। ये सैंडविच खाने वाले हैं हम लोग अभी, और ब्रेकफास्ट में हमारे सैंडविच है। तो ये जगह है, आप ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 ब्रेक लेने की जगह है, तो आप कहीं भी ब्रेक ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लास्ट पॉइंट पर लिया है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं खा पी के। सामने
सामने दिख रहा हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। जो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है वो एक्सप्रेसवे तेज चली जाएगी, उसके बाद 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप और बीच में भी कुछ ब्रेक वगैरह लेंगे हम लोग जहाँ ब्रेक होगा। तो अभी इस पर हम लोग जा रहे हैं इंडिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे। अभी इंडिया में इससे लंबा एक्सप्रेसवे कोई नहीं है। हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टॉल आ गया है, तो इस पे टॉल का पेमेंट करते हैं, देखते हैं कितना टॉल लेते हैं। लखनऊ 585 रुपए। पेट्रोल पंप है रोड में, यहाँ से 80 किलोमीटर आगे पेट्रोल 80 किलोमीटर। तो 585 रुपये का लखनऊ तक का टॉल है और ये मैंने टॉल ले लिया है पर्ची 585 का। तो चलिए अब लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एंजॉय करते हैं। 300 किलोमीटर की जर्नी, रास्ते में पेट्रोल भी लेंगे, यहाँ से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहला पेट्रोल पंप है। तो चलते हैं, करते हैं जर्नी को एंजॉय। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी स्मूथ ड्राइविंग। चलाते रहिए, बस एक्सीलेटर पैर रखे रहिए। गाड़ी तो 130-140 पे जाने को तैयार है लेकिन मैं कंट्रोल में चला रहा हूँ क्योंकि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसलिए कंट्रोल में चलाइए। मैं 90-100 को मेंटेन किया हुआ हूँ क्योंकि रोड की मैक्सिमम लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। लोग 130-140 पे चला रहे हैं, मेरी भी गाड़ी कभी कभी ऊपर चली जाती है जब मैं ध्यान थोड़ा हटता है तो, लेकिन मैंने 100 को मेंटेन कर रखा है, 80 और 100 के बीच में। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बच्चा पार्टी देखिए, अपने पूरा गुंडागिरी में तैयार, गुंडागिरी कर रही है वेदिका। सर्विस एरिया 2 किलोमीटर आगे रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है। तो चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं हमें पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल पंप की सख्त जरूरत है हमें। पेट्रोल वैसे है, हम लोग जा सकते हैं लखनऊ तक, बट फिर भी यहाँ दिखाइए स्पीड में रखना चाहिए। ये देखिए स्पीड हमारी 80 को मैंने मेंटेन किया हुआ है, 80 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सही नहीं है। और 50% पेट्रोल हमारा नीचे आ चुका है, जबकि हमने स्टार्टिंग में टैंक फुल कराया था। तो अब आगे पेट्रोल पंप मिलेगा तो फिर से हम लोग ले लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अभी 2 किलोमीटर में आने वाला है। और लगभग 90 किलोमीटर जो जहाँ से स्टार्ट होता है एक लखनऊ एक्सप्रेस है, वहाँ से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये फूड किंग प्लाजा है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह खा पी सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं, साथ में वहाँ पेट्रोल पंप है। तो आप ये मान के चलिए जहाँ से आप टॉल देते हैं वहाँ से 80-85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अभी पूरे तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह खुले नहीं है, लेकिन कोस्टा कॉफ़ी कॉफ़ी भी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत एक दो चार खुले हुए, पूरा मॉल की तरह यहाँ पे खोला गया है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से, अब पेट्रोल लेते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरुआत करते हैं। चले कोई बात है।
लखनऊ के शहर के ट्रैफिक में थोड़ा हम फंस के पहुँचते होटल पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया और फाइनली हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, अपने रूम में आ चुके हैं। अब थोड़ा हम लोग फ्रेश होते हैं। जर्नी में बहुत ही मज़ा आया और यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे दोनों ऐसे रोड है जिस पर चल के आपको फील ही नहीं होता है कि आप जर्नी कर रहे हैं, गाड़ी आपकी तेज निकल जाती है। लेकिन प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए क्योंकि अगर कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो प्रिकॉशन लेकर हमें चलना चाहिए। तो हम लोग सेफली होटल पहुँच गए और जर्नी को बहुत ही इन्जॉय किया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।